Hello everyone, welcome to my organic and analytical chemistry channel. Last video में हमने ब्लीचिंग के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे डीओडराइजेशन. ब्लीचिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो डीओडराइजेशन है. डीओडराइजेशन बेसिकली ऑर्डर को रिमूव करना है और वो जो ऑयल होगा वो खाने के काबिल होगा. डीओडराइजेशन के बाद खाने के काबिल होगा. डीओडराइजेशन बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन है. इसका जो पर्पस है, पर्पस ये है कि फ्री फैटी एसिड्स को रिमूव करना है, फ्री फैट्स को रिमूव करना है और उसमें से वोलेटाइल कंपाउंड को रिमूव करना होता है. स्टीम डिस्टिलेशन होती है, इसके अंदर टेम्परेचर होता है और वैक्यूम लगी हुई होती है. इसके अलावा जो अनवांटेड सब्सटेंस है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटोरिएट कर सकते हैं या इम्पेक्ट पड़ता है, जैसे कि जैसे अगर आप देखें तो कलर है, फ्लेवर है, इनको भी इम्प्रूव कर देता है. डिओड्राइजर बेसिकली एक वर्टिकल कॉलम होता है, मल्टीपल स्टेजेस हुए होते हैं, टेम्परेचर होता है, इसके अंदर वैक्यूम लगी हुई होती है, टॉप से ब्लीच ऑयल को इन किया जाता है और वो मल्टीपल स्टेजेस में से पास होकर फाइनली आउट हो जाता है. वहाँ से फाइनली जो स्टेज है उसके ऊपर एक कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग का सेटअप लगा हुआ होता है और वहाँ पे सिट्रिक एसिड की डोजिंग होती है. सिट्रिक एसिड बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है. इसके बाद उसको स्टोरेज वेसल में डाला जाता है, फिर वहाँ से उसको पैकिंग में लिया जाता है. पैकिंग से पहले विटामिन ए की डोजिंग की जाती है जो कि कंपलसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हर कंट्री के अंदर, उसकी डोजिंग की जाती है स्पेसिफिक, और इसके बाद उसको पैक करके डिस्पैच किया जाता है वहाँ से. यहाँ तक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का प्रोसेस है. सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन, इसके बाद डीगमिंग, इसके बाद ब्लीचिंग, लास्ट में डीओडराइजेशन. अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस करें और मेरी आने वाली वीडियोस को देखें. और आने वाली वीडियोस में हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे जो एडिबल ऑयल की टेस्टिंग होती है. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.